दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सुख समृद्धि के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद आपको लगे कि अनूप जी दीपावली के पर्व पर आप नकारात्मक तरीके से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले शुभकामनाएं दी हैं। क्या आप पर भी निवेश करने का दबाव है? ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन दोस्तों इन दिनों मैं स्वयं के लिए फेस कर रहा था और मुझे लगता है कि मेरे जैसे आम जन जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं उन पर भी निवेश करने का बहुत सारा दबाव है। तो देखिए, दबाव क्यों है ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर बहुत से लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक और शेयर मार्केट गिरा चला जा रहा है तो ये सोचते हैं कि क्या शेयर मार्केट में और पैसा लगाना है, तो जो एग्जिस्टिंग लॉस खा चुके उसका क्या करना है। दूसरी ओर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड के रेट भागे जा रहे हैं, सिल्वर के रेट भागे जा रहे हैं, और रियल एस्टेट तो दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में बेतहाशा भाग चुकी है। इस हद तक भाग चुकी है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको अपना घर बनाने के लिए कुछ निवेश करना हो उसको तो 10 बार सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर भी पाऊंगा या नहीं। तो दोस्तों इस पेशोपेश के बीच, इस कश्मकश के बीच, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, अगेन वो भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, अपने अनुभव से उन पर कुछ बातें भी शेयर करूंगा जिनके बारे में यदि आप विचार करें तो शायद आप ये डिसाइड करने में सक्षम हो कि वास्तव में आपको कोई प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने की आवश्यकता है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, या किसी एसेट क्लास में निवेश करने की जरूरत है भी अथवा नहीं। ये कॉल लेना मेरा मानना है किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी दृष्टि से दोस्तों, क्या आप पर भी निवेश करने का दबाव है, इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट के तहत आपके समक्ष वीडियो पेश करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अपनी बात कुछ प्रश्नों के रूप में रखूंगा कि मैं आपकी ओर प्रश्न छोड़ रहा हूं, आपको इन प्रश्नों पर विचार करना है। जरूरी नहीं है मेरे पास में इन सारे प्रश्नों का उत्तर हो आपके लिए, पर हाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं के लिए तय करने चाहिए जब भी आप निवेश करने के किसी प्रस्ताव पर विचार करें। सबसे पहली बात, व्हाट आर आवर सेविंग्स इन यूजुअल, यानी हम जो यूजुअली बचत करते हैं वो कितनी है। आप कहेंगे अनुप जी इस बचत का मेरे निवेश से क्या लेना देना है। दोस्तों देखिए, बचत के अलग अलग प्रवृत्ति हो सकती है। जब कोरोना काल हम सब ने देखा तो हमारे सामने ये एक अंडरस्टैंडिंग थी या डेवलप हुई कि कम से कम अपने 3-4 महीने के खर्चे के बराबर सेविंग हमारे पास में हमेशा पड़ी रहे ताकि कोई एक्सीजेंसी आए, इमरजेंसी आए तो हम उसे फेस करने में सक्षम हो। अब जब आप कोई निवेश करने जाते हैं तो बहुत सी बार ये देखा गया है कि लोग निवेश करते समय, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि निवेश करने का हम भारतवासियों पर दबाव है, हालांकि मैं निवेश करने को बुरी प्रवृत्ति नहीं मानता, लेकिन जब दबाव में कोई निवेश है कि हाँ ये प्रॉपर्टी खरीद ही लेते हैं, ये गोल्ड खरीद ही लेते हैं, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही लेते हैं, तो जब आप कर ही लेते हैं ऐसी कोई बात सोचते हैं कि कहीं मैं छूट ना जाऊं, कहीं मेरी कोई रेलगाड़ी, कोई गाड़ी छूट ना जाए। आजकल दोस्तों जो मार्केट में प्रवृत्ति है मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूं कि निवेश करने का दबाव है कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया उसके इतने पैसे बढ़ गए, या मैंने 10 लाख रुपए लगाए इसे 12% की रेट से बढ़ गए, थोड़े ज्यादा लगा लेता तो और अच्छा होता। इस सब में दोस्तों आज का जीवन जीना बहुत से लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आता हूं, व्हाट आर आवर सेविंग्स इन यूजुअल, क्योंकि जो निवेश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसकी शुरुआत होती है कि मैं वास्तव में हर महीने सपोज 1 लाख रुपए कमाता हूं, मेरे घर के खर्चे 50-60 हजार रुपए काटने के बाद 40 हजार बचाता हूं, तो अब मेरी सोच शुरू होनी चाहिए कि इस 40 हजार रुपए में मुझे कौन सा निवेश पोसाता है और उसके हिसाब से मुझे अपने निवेश की तैयारी करनी चाहिए। वेदर सच सेविंग्स आर इनफ टू इन्वेस्ट इन द एसेट क्लास विच यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू, क्या ये जो 40 हजार रुपए बचत का मैंने एग्जाम्पल लिया मेरे केस में, आपके केस में हो सकता है इससे ज्यादा राशि हो या कम राशि हो, तो आपको ये सोच रहा है कि अब जो निवेश का प्रस्ताव मेरे पास में आया हुआ है कोई प्रॉपर्टी के लिए, गोल्ड के लिए, शेयर मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, सिल्वर के लिए, या किसी एसेट क्लास के लिए, यहां तक कि भारतवासी तो बहुत उत्साहित है, बिटकॉइन में भी बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट मैं देखता हूं, तो वेदर सच सेविंग्स आर इनफ टू इन्वेस्ट इन एसेट क्लास विच वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू,
कि सपोज मैं एक मकान लेना चाहता हूँ साहब, कोई फ्लैट लेना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे मेरे परिवार के रहने के लिए, और फ्लैट की कॉस्टिंग होगी सपोज 1 करोड़ रुपए, मेरे महीने के बच रहे हैं 40,000 रुपए। अब 1 करोड़ रुपए में से मेरे पास देने के लिए अभी सपोज केवल 10 लाख है, 90 लाख रुपीज अभी मेरे पास में शॉर्ट है, मैं मान लेता हूँ रेडी टू यूज फ्लैट। अब 90 लाख रुपीज देने के लिए मैं अगर लोन लेता हूं तो मेरे 80,000 रुपए का मिनिमम किस्त आएगा, और मैं महीने के बचा रहा हूं अभी 40,000, तो मैं क्या 1 करोड़ रुपए के इस निवेश में जाऊं या नहीं जाऊं? कई बार दोस्तों ये भी सीखना बहुत जरूरी है कि नहीं, ये निवेश मेरे लिए नहीं बना, चाहे गाड़ी छूटे तो छूट जाए। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच रिटर्न वी एक्सपेक्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए मैंने कोई एक निवेश चुना ये सोचते हुए कि मेरी सेविंग कितनी थी, ये सेविंग मेरे इन्वेस्टमेंट के पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ठीक है। अब मैं ये जो सेविंग करने जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं इस सेविंग से, तो मेरे को आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है? अब दो तीन चीजें यहां मेरे दिमाग में आती है दोस्तों। यदि आप खुद के रहने के लिए कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो मैं उसमें एप्रिसिएशन जैसी बात नहीं ढूंढता। यदि आप सपोज बच्चों के भविष्य के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ज्वेलरी चाहिए होगी शादी ब्याह के पर्पज से, तो मुझे लगता है कि फिर वहां पर गोल्ड का उतरना चढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए वो क्वांटिटी पजेस करना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी जरूरत के अनुरूप जा रहे हैं तो मैं मानता हूं आपके लिए रिटर्न की रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर आपके लिए आपकी जरूरत की पूर्ति होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप प्योरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न पाने के लिए कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म क्या सिनारियो देखते हैं? मेरे एक बड़े अच्छे अजीज मित्र हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, श्री योगेश रई जी, वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, तो म्यूचुअल फंड्स पर बड़ी अच्छी वो राय देते हैं। तो जब मेरी कभी उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं कि अनूप जी, जब मैं किसी के यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी देता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा साहब, आपको सपोज 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई मकान खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, घर में शादी करनी है, तो आप सोचिए आपको कितना पैसा चाहिए। सपोज कोई कहता है जी मेरे को उस समय 25 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद, तो बोले अच्छा 25 लाख रुपए के लिए आज आप सपोज महीने के 20,000 रुपए सिप में डालना शुरू करिए ताकि आपके 25 साल बाद 25 लाख रुपए हो जाए। एक तो सोच ये हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग दोस्तों उनकी सोच पर नहीं काम कर रहे। वो कैसे कर रहे हैं कि अच्छा मेरे पास में महीने कितने बचते हैं, लेट्स इन्वेस्ट विदाउट कंसिडरिंग कि वो इन्वेस्टमेंट मेरे को आफ्टर सर्टेन पीरियड कितना एप्रिसिएशन दे जाएगा या क्या वैल्यू दे जाएगा। आई थिंक दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यह मैंने रखा, आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज आर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि मैं निवेश की रिस्क ले रहा हूं लेकिन उस रिस्क को लेने के लिए मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। यानी मान लीजिए किसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं घट गया, तो जैसे शेयर मार्केट ने इन दिनों लोगों को हिला रखा है और आजकल शेयर मार्केट का इतना क्रेज है कि हम सवेरे उठते ही 9:30 बजे देख लेते हैं कि आज कितनी वैल्यू गिरी या कितना वैल्यू चढ़ा। तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर वर्क किए बिना निवेश करे जा रहा हूं तो ऐसे निवेश में हुआ किसी भी प्रकार का परिवर्तन, विशेष रूप से शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में आई गिरावट, हमारी धक-धक बढ़ा देती है। और वो धक-धक हमारे जाना तो था भविष्य का सुकून प्राप्त करने, परंतु आज का सुकून भी खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर आपको विचार करना चाहिए कि आप निवेश किस पर्पज से करने जा रहे हैं। दोस्तों मेरे प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जिनके थ्रू आपके साथ ये इंटरेस्टिंग चर्चा कर रहा हूं। हाउ मच लोन वी आर अवेलिंग टू बुक सच इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी वो 1 करोड़ वाला आपको रियल एस्टेट का एग्जाम्पल दिया कि मैं एक फ्लैट ले रहा हूं जिसमें 10 लाख का उन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, हो सकता है 20 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन करूं, 70-80 हजार की किस्त आएगी, महीने के बच 40,000 रुपए रहे हैं, तो कहां से वो 70,000 और 40,000 के गैप को मीट आउट करूंगा। तो ये बांधना, ये चीज तय करना बहुत जरूरी है कि हम उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कितने का लोन बुक कर रहे हैं और क्या वो लोन के रीपेमेंट की कैपेसिटी में हम नॉर्मली रहेंगे या नहीं रहेंगे। व्हाट इज द स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड इन आर केस। मेरे जैसे बहुत सारे लोग दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड हैं इस देश में जो भारत सरकार से नौकरी नहीं मांगते। मैं कहता हूं भारत सरकार को उनके लिए विचार करना चाहिए कि ये बंदा मेरे से नौकरी नहीं मांग रहा, कितना बढ़िया काम कर रहा है, बल्कि 2 को रोजगार और दे रहा है, और इसके भविष्य के लिए हम कोई पेंशन योजना लेकर के आए ताकि इसका भविष्य सुरक्षित हो।
आप बोलेंगे अनुप जी तो आपका दर्द है, लेकिन बहुत सारे लोग पेंशनर्स भी हैं या भविष्य में उन्हें पेंशन मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड इन आर केस, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को एक सैलरीड पर्सन के अपेक्षा कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये देखना चाहिए कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, पर्टिकुलरली उस परिस्थिति में जब उसका बिजनेस या उसका प्रोफेशन नेगेटिव हो जाए तो क्या वो किस्त मेंटेन कर पाएगा, क्या वो उस निवेश को फर्दर कैरी ऑन करना मेंटेन कर पाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सोचना चाहिए। डू वी नीड टू इन्वेस्ट थ्रू रिलिंक्विशमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट और टेकअप द इन्वेस्टमेंट एज फ्रेश। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम में से ज्यादातर लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट टेकअप करते हैं, लेकिन कई बार ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से निकल करके मैं एक नए इन्वेस्टमेंट में चला जाऊं तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि कई बार हम इतना लोड ले लेते हैं दोस्तों अपने ऊपर निवेश करने के दबाव में कि हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के अच्छे अप्रिशिएट होने के बावजूद उसे बेचने की जगह और फिर नया इन्वेस्टमेंट करने की जगह और फ्यूचर के लिए अपने पर दबाव लेते हैं। मुझे लगता है ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। दोस्तों चार और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर आपके समक्ष रखूंगा। पहला, व्हाट इफ द इनकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कुड नॉट बी अर्न इन फ्यूचर। सपोज मैंने रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी ली और मुझे था कि मैं जिस फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 1 करोड़ का, मुझे सपोज 30,000 रुपए तो किराया ही आने का, तो मैं किस्त को समाव मेंटेन कर लूंगा। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से किराया नहीं आया या बीच में किराएदार खाली करके चला गया, तो मेरा डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या होगा। कई बार हम आशावादी होकर के, मैं निराशावादी होने की बात नहीं कर रहा, परंतु अति आशावाद भी दोस्तों खतरनाक है। तो आपको यह समझ के चलना है कि मेरा बफर प्लान क्या होगा कि जब चीजें मेरे अनुरूप नहीं चलेगी तो हाउ आई एम कैरिंग दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। इज देर अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ प्रपोज इन्वेस्टमेंट, देन हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ सच एस्पेक्ट। एक्चुअली बहुत सी परिस्थितियों में ये भी संभव है। सपोज गोल्ड का रेट गिर जाए, आप कहेंगे अनूप जी आपके मुंह में घी शक्कर, गोल्ड का रेट गिरेगा तो मैं खरीद लूंगा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी पॉजिटिविटी की बहुत सराहना करता हूं। सिल्वर का रेट गिर जाए, रियल एस्टेट का रेट गिर जाए, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपके पास में प्लान बी क्या है कि अगर आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आप इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में लीजिए जहां शेयर मार्केट का वैल्यू गिर रहा है। अब शेयर मार्केट वैल्यू फॉल होने से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जा रही है, आप उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने लोन लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है और शेयर मार्केट गिर गया, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के 10 लाख के इन्वेस्टमेंट अब 7 लाख रह गए और लोन था 9 लाख रुपए का, वो 9 लाख का लोन खड़ा है, उस पर ब्याज देना है, इन्वेस्टमेंट 7 के रह गए, लॉस में शेयर्स को काटना है नहीं काटना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है क्योंकि मैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट होना क्लेम ही नहीं करता, परंतु हाँ दोस्तों ये जरूर देखता हूं कि जब मार्केट अच्छा चलता है तो आपको यूट्यूबर्स ये बोलते ज्यादा मिलेंगे कि मार्केट अच्छा अच्छा है और अच्छा जाएगा, मार्केट इतना पॉइंट जाएगा, और जैसे ही मार्केट खराब जाता है आपको दुनिया भर की रिपोर्ट आनी मिल जाएगी अखबारों में या यूट्यूबर्स के थ्रू भी कि साहब ये पर्टिकुलर शेयर मार्केट अब गिरता ही चला जाएगा। तो एक आम आदमी इन इन्वेस्टमेंट के टेक्निक से उतना अवगत नहीं है और इस वजह से वो कहीं ना कहीं दबाव में रहता है, जैसे शेयर मार्केट गिर गया तो और निवेश कर ले, कितना निवेश करे, हो कहां से पैसे लेकर के आए निवेश करें, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं खरीद लो आज बहुत सस्ता मिल रहा है, कल ये शेयर इस भाव में नहीं मिलेगा, तो कहीं मैंने लोन लेकर के निवेश कर दिया तो फिर कहीं वो ट्रैप तो नहीं होगा। आर वी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द नेसेसिटी एंड लग्जरी। दोस्तों बहुत जरूरत है इस बात को समझने की, क्योंकि निवेश के दबाव में ये समझना कि मैं जिस चीज में निवेश करना चाहता हूं यदि वो मेरी नेसेसिटी है तो मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा, और यदि वो मेरे लग्जरी है तो मैं बोलूंगा सर रुकिए दो बार सोचिए, क्योंकि लग्जरी में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा जरूरी है नेसेसिटी में इन्वेस्ट करना। डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट, ये थंब रूल आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स बोलते दिखेंगे, और कई बार हम किसी एक पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी में ज्यादा रिस्क लेते हैं, जैसे शेयर मार्केट में ही केवल, या म्यूचुअल फंड में, या केवल और केवल रियल एस्टेट में, तो ये भी अगेंस्ट द थंब रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपको काम करना चाहिए बिफोर यू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू फॉर योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूं, उनके इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को समझने की कोशिश करता हूं,
खुद की इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को चेक करता रहता हूं, और कई बार ऐसा लगता है कि हम सब किसी न किसी भूल भुलैया में हैं कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के चक्कर में हम अपना आज बहुत हद तक खोते रहते हैं, और ये खोना ही कहीं ना कहीं निवेश करने का जो दबाव है उससे रिलेटेड जुड़ा पॉइंट है। कई बार दोस्तों रुक करके सांस लेना, रुक करके समझना कि मेरे निवेश कितने पर्याप्त हैं, क्या मुझे और निवेश करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो आप कहेंगे अनूप जी आपने उल्टी बात कर दी कि लोग तो कह रहे निवेश करो और आप कह रहे हो निवेश करने से पहले सोचिए। मैं सोचिए की बात कर रहा हूं दोस्तों, रोक नहीं रहा आपको, रोकना ही रहा आपको। फिर एक बात कहूंगा कि मैं आपको रोक नहीं रहा, आपको सोचना जरूर चाहिए कि मैं क्यों निवेश कर रहा हूं, क्या वास्तव में मुझे निवेश करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। कई बार ऐसी सोच से भी काम करना मुझे लगता है समय की वर्तमान व्यवस्था में बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों यहां पुनः आपको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।